गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको करंट अफेयर प्लस हिंदी प्लस साथ में रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। शॉर्ट प्रैक्टिस सेट होगा जिससे आप ना अपनी तैयारी जान सकते हो कैसी चल रही है। पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज क्रिकेटर कौन बन गया, वो भी किस में, T20 में। तो ये बन गए दिनेश कार्तिक, इनसे पहले कौन थे, धोनी। ये भी याद रखना, आंसर क्या आ जाएगा, बी। अच्छा ये याद रखना कि हमारे यहाँ कौन है, BCCI ये कराता है ना। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, ठीक है। ICC का शुरुआत कब हुई थी, 1909, ठीक है, ये भी याद रखना, आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट नेक्स्ट ये कह रहा है कि जन्म के दौरान जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा होती है एक आदमी कितना जिएगा, कितना जिएगा, मतलब पहले कहते थे ना, पहले आदमी 100 साल जीते थे, उसी तरीके से अभी आदमी कितना जिएगा इंडिया के अंदर, तो वो जिएगा 69.7, और पूरे दुनिया में कितनी जीवन प्रत्याशा, 72.6, ये भी याद रखना, थोड़ा आंसर में आ जाएगा सी। और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जीवन प्रत्याशा कहाँ की है, दिल्ली की, ये भी याद रखना। देखो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन दिल्ली में, प्रत्याशा भी दिल्ली में, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट ये कह रहा है किस देश की क्रिकेट टीम ने वनडे में सर्वोच्च रन 498 बनाए, तो इंग्लैंड ने बनाए नीदरलैंड के खिलाफ। नीदरलैंड में एक फूल पाया जाता है बहुत ज़्यादा, वो है ट्यूलिप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं बताओ, लैंड ऑफ प्लीज, ठीक है, ये भी याद रखना। कैनवरा इसकी कैपिटल है, ये याद रख लेना, ठीक है। अच्छा ये पूछा जाए कि देशों के मामले में ऑस्ट्रेलिया 6वें नंबर पर आता है सबसे बड़ा, 7वें नंबर पर इंडिया और 8वें नंबर पर अर्जेंटीना, और 9वें पर उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है, ये भी याद रखना। इंडिया की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली का पुराना नाम क्या था, इंद्रप्रस्थ, ये भी याद रखना, ठीक है। अब्रक के नाम, अब्रक के मामले में टॉप पर रहता है इंडिया, ये भी याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा इसका, इंग्लैंड। अच्छा इंग्लैंड में क्या चलता है, पाउंड स्टर्लिंग, करेंसी क्या है कि पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। नेक्स्ट 2028 तक अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किसने करी है, तो ये करिए चाइना, चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग, ठीक है। और AIIB का हेडक्वार्टर भी कहाँ है, यहीं, ये भी याद रखना। और न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका संघाई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और आप याद रखना अमेरिका, अमेरिका से याद रखना न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क से याद रखना मैनहैटन द्वीप पे बसा हुआ है न्यूयॉर्क, ठीक है। और रूस, रूस से रूबल याद रखना इनकी करेंसी, और बस इतना याद रख लो। और इजराइल से नेसेट इनकी संसद, ये याद रखना, आंसर आ जाएगा चाइना। नेक्स्ट GST की 47वीं बैठक कहाँ पे होगी, तो ये होगी श्रीनगर, श्रीनगर से ही आप याद कर रहे, डल झील, डल झील और बुलर लेक, ठीक है, दो याद रखना, और आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी। अच्छा इसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसकी अध्यक्षता करता है वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। वो याद रखना है 101वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड, GST से रिलेटेड है। सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था GST, और इंडिया के अंदर कहाँ लागू हुआ था, असम। हम लोग किसके मॉडल पर आधारित हैं, कनाडा के मॉडल को फॉलो करते हैं GST में, 5%, 12% और 0%, और दो स्लैब हो रहे हैं इसमें, 28% और एक और है बीच में, ठीक है, 5 तरीके की स्लैब हैं इसमें, ये सब याद रखना, आंसर क्या आ जाएगा इसमें, श्रीनगर, ठीक है। और लेह, लेह किसकी कैपिटल है बताओ, लेह है लद्दाख की, ये भी याद रखना। और शिलोंग, शिलोंग कहाँ पे, आप लोग बताना। अच्छा एक चीज़ याद है, जो वित्त सचिव होता है, वित्त सचिव, उसके हस्ताक्षर 1 रुपये के नोट पे होते हैं, ये याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, आंसर है इसका सी। नेक्स्ट वैश्विक शांति सूचकांक में इंडिया की रैंक है 135, 136 में किस में थी बताओ, खुशहाली में, खुशहाली में टॉप पे कौन था, फिनलैंड, ठीक है, ये याद रखना, और बस आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट भावुक का संधि विच्छेद बताना है, तो देखो भाय तो क्या हो जाएगा, बोधन, अगर होता भावुक या याद रखो नयन, तो हो जाता नेधन अन, जब देखो बड़ा आ जोड़ दोगे तो यहाँ पे दो आ जाती हैं, एक रहता है छोटा तो एक रहता है, आंसर आ जाएगा ये। संधि का विलोम क्या होता है बताओ, विग्रह, कई बार पूछा गया। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर व्यंजन विसर्ग, ये कौन सी संधि, अयाद्य स्वर संधि, ये भी याद रखना, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट तद्भव बताना है, तो शब्द ना उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के बताए गए, कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तद्भव में क्या आता है, इस तरीके का चंद्रबिंदु तद्भव में आता है, ठीक है, तो ये देखो ये रहा चंद्रबिंदु, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट नेक्स्ट कठपुतली, तो काठ की पुतली, और काकी के रारी ने नानी ने, ये सब किसमें आते हैं, संबंध तत्व। समाज का विलोम ब्यास, समाज का अर्थ संक्षेप, ये याद रखना। संप्रदाय में क्या आता है, के लिए, कभी पसंद आ जाए, दान देने की बात आ जाए तो भी के लिए।
कर्म के साथ क्या आता है, कोमा का सजीव के सेंस में आता है, निर्जीव में मतलब आना गलत हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट नेक्स्ट है, जिसके समान दूसरा ना हो तो उसे कहते हैं अनुपम, जिसे जीता ना जा सके उसे कहते हैं अजय, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट अशुद्ध बताना है, तो देखो अहल्या लिखने को आता है बहुत ज़्यादा शुद्ध, तो ये तो शुद्ध ही याद रखना। एक गुलाब की माला नहीं होती, गुलाब की एक माला यहाँ पे आना चाहिए, एक अनुक्रम संबंधी अशुद्धि है, तो ये एक ना आगे आएगा, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट अब ये कह रहा है देखो एम का क्या होता है 13, ऐसे वी का क्या होता है बताओ, यू का होता है 21 और वी का होता है 22, ठीक है, तो 23 कट गया, ये कट गया। अब इसके बाद है आई, आई आता है 9 पे, तो पहला वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो इसमें 6 कॉमन है, ठीक है, देखो इसमें अलग कहाँ पे, देखो 4, 2, 3, 1 ये सब अलग अलग है, ठीक है, तो ये किसका कोड होगा, ओ का कोड यहाँ क्या देगा 4, तो ओ का कोड यहाँ पे 4 है, बाकी सब में अलग अलग है, इसलिए एक कोड से निकाल सकते हो, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट कह रहा है देखो जितने भी पिता होंगे वो सारे होंगे तो पुरुष, और कुछ उसमें से क्या होंगे खिलाड़ी होंगे, तो आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट वेन डायग्राम कहते हैं, सभी ए जी हैं, कुछ जी बी हैं, ये कह रहा है सभी ए बी हैं, ये ए और बी का कोई लेन देन है नहीं है, कुछ जी ए हैं जी, ये तो ही है ये वाले जी, आंसर आ जाएगा बी। इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, इसी के साथ अपना ध्यान रखना, जय हिंद जय भारत।